दोस्तों इसमें कहा गया है चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने आय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है 20% क्या हुआ है, मूल्य घटा है, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, क्या होता है 1/5, इसका मतलब पहले हमारा मूल्य कितना था, पहले हमारा मूल्य 5 रुपये था, अब एक क्या हो गया, घट गया, तो मैंने कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले पहले मूल्य कितना था, 5 था, और बाद में मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए बाद में क्या हुआ, बाद में 1 रुपया क्या हुआ है, घट गया है। ठीक है, इसका मतलब चीनी हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो यही पूछा गया है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। हमने आपसे बताया जब कभी अधिक पूछे तो कम वाली संख्या को नीचे रखिए, अंतर रखिए और गुणे कर दीजिए 100। और अगर पूछ लेता कितने परसेंट कम, तो हम क्या करते, ज्यादा वाले को नीचे रखते और ऊपर अंतर रखते, गुणे सब कर देते। ठीक है, तो इसे काटेंगे 4 2 8, 4 5 20, यानी 25% आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है। ठीक है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20% दिया गया है, और 20% आपको पता है कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5। कम है तो हम क्या कर देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे, मतलब पहले मूल्य 5 था, अब कितना है, मूल्य 4 है। ठीक है, तो पहले कितना था मूल्य, पहले और लिख देंगे बाद, पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य 4 है। ठीक है, कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, और देखिए कहा गया है कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। तो हमने आपको बताया जब कह दे अधिक तो कम वाली संख्या को नीचे करिए और अंतर ऊपर लिखिए, गुणे कर देना है 100। ठीक है, तो देखिए इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और देख लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा गया है रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम है, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 50%, और आपको पता 50% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/2 होती है। ठीक है, कहा गया कम है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का सिंबल, यानी पहले ऊंचाई कितनी थी, रहीम की 2 थी, और करीम से 50% कम है, कौन, रहीम, इसका मतलब रहीम की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया रहीम और ये हमने लिख लिया करीम। तो कहा गया रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम है, इसका मतलब रहीम की ऊंचाई कम है, तो रहीम की 1 हो जाएगी और करीम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो जब कह दे अधिक तो हमें कम वाले को नीचे रखना है, उनके बीच का अंतर देखना, 1 का अंतर है तो 1 और गुणे कर देंगे 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100%, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, और हमें ये आशा है कि हमारी दी हुई ट्रिक जो भी हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।